स्वामी जी, आप तो गंगा आरती भी हमेशा आपके द्वार जहाँ आपका आश्रम है वहाँ होती है, क्या आपको लगता है कि सच में काम हुआ है ईमानदारी से कि माँ गंगा का मामला है? देखिए, मैंने बहुत गहराई से इसको बहुत दिनों से मैं जुड़ा हूँ, बहुत सारे काम और किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो अभी प्रकाश पंत जी ने बताया वो है जागरण का। सब जगह आप पुलिस खड़ी नहीं कर सकते, सब जगह आप पहरेदार खड़े नहीं कर सकते, अब हमको खुद को पहरेदार बनना होगा, मीडिया को इसका पैरोकार बनना होगा, पुरोहितों को, गंगा तट पर रहने वालों को, सबको खड़े होना होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, कुछ चीज़ों को मुझे लगता है कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, इफ़ यू डोंट प्लान वेल वी आर बाउंड टू बी फेल्ड। कुछ समय लगता है प्लान करने में, जब चीज़ें प्लान हो जाती हैं फिर वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। इतना मैं कह सकता हूँ, मैं अभी अभी दिल्ली से लौट रहा हूँ, कल भी मेरी गंगा के जो हमारे आदरणीय मंत्री जी हैं उनसे मीटिंग थी, सवेरे मेरी भारत के शहरी विकास मंत्री जो हरदीप पुरी जी हैं उनके साथ थी, और क्या क्या योजना, और फिर कल फिर है, और 13 तारीख को फिर माननीय गडकरी जी, आदरणीय सतपाल सिंह जी, आदरणीय योगी जी और सभी कानपुर में फिर वापस मिल रहे हैं। मेरा कहना ये है, नंबर वन, काम हो रहा है, और आने वाले 6 महीनों में मुझे लगता है कि अगले 1 महीने के बाद सितंबर से ऐसा लगता है कि हर तीसरे दिन टीवी पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे गंगा को ही दिखाने के लिए, इतना काम आगे बढ़ता दिखाई पड़ेगा। अभी हम लोगों ने एक थोड़े दिन पहले ऋषिकेश में, जो ऋषिकेश का सबसे बड़ा नाला है, जो ऋषिकेश के लोग बैठे हैं मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ा नाला जो ऋषिकेश का है जिसमें कई नाले मिलते हैं, हम लोग एक देवप्रयाग में आश्रम बनाने जा रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि कोई वीडियो वायरल हुआ है उसको देखना चाहिए, और मुझे पूरे विश्व से फ़ोन आने लगे, 7 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा, इतना वायरल हुआ वो। इसका मतलब है लोग कितने उत्सुक हैं, क्योंकि बात गंगा की है। तो मैंने सोचा चलना चाहिए, देखा तो अगले ही दिन हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल से बात हुई, और मैं चाहूँगा कि उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया इसका, इतना फास्ट, इतना क्विक, इतना बढ़िया था, और मेरा भी उत्साह बढ़ा। और आपको आश्चर्य होगा, एक डच टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं अभी नीदरलैंड में था तो वहाँ भी मेरी कई लोगों से बात हुई कि वाटर मैनेजमेंट में डच लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है पूरे विश्व में, अभी हम लोगों ने उनको बुलाया भी है, वो आ रहे हैं सब। लेकिन एक अपनी ये जियो ट्यूब टेक्नोलॉजी, और वो है अपनी देसी टेक्नोलॉजी, दोनों को मिलाकर काम हुआ 5 दिन के अंदर। जो सुएज पॉइंट था, सीवर पॉइंट था, वो सेल्फी पॉइंट बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर वहाँ सेल्फी ली, देखा, काश वो मैं पहले दे पाता तो लोग देख पाते, या मैं आपको भेज दूंगा शाम के सेशन में चलाइए। ठीक उसी पद्धति से कल लखनऊ से आदरणीय योगी जी की सरकार से फोन आया, अभी सवेरे फिर बात हुई, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ निकली, इतनी सस्ती, जो हमको वहाँ पर आश्रम बनाना था, मुझे लगा गंगा पहले आश्रम बाद में, ये पहली प्राथमिकता हम सबकी होनी चाहिए, क्योंकि गंगा सबकी है, गंगा श्याम लाल की भी है, सलीम मोहब्बत की भी है, और साइमन और सोहन सिंह की भी है, इस देश के सभी की है, सबको मिलकर जुड़ना होगा। इसके लिए लखनऊ से फोन आए, और कल ही हमने अपनी टीम भेज दी, आज दूसरी टीम भेज दी, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी, और अगले 10 दिनों के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। गोमती में जो सबसे बड़ा नाला पड़ रहा है, वो नाला सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बनेगा। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरी अभी माननीय गडकरी जी से मीटिंग हुई, उन्होंने जब इसको देखा, तब मैं आपको बताता हूँ कितना फास्ट एक्शन है हमारे सीएम साहब का और उनका दोनों का। उन्होंने जब देखा, उन्होंने उनको फ़ोन किया, फिर सत्यपाल जी सिंह जी से बात, उन्होंने उनको फ़ोन किया, इतना चैनल तेज़ी से घूमा। कल रात सबसे पहले जब स्टेज पे हम लोग बैठे थे भारत की संसद में, जब हम वहाँ बैठे थे, कल मुझे उसी के लिए पुरस्कार दिया गया, कल मैं वहीं था, रात को मैं वहीं से लौट के आ रहा हूँ, तो मुझे वहीं पर उन्होंने पूछा, वो नाले वाला काम हो गया ना, माननीय गडकरी जी ने बात की ना, डीजी साहब का फ़ोन आ गया, मैंने कहा डन, अब क्या होने जा रहा है, कि उन्होंने कहा, जब देखा उनका, ये तो बहुत कमाल की इस टेक्नोलॉजी है, कितने नाले आपको चाहिए? मैंने कहा इलाहाबाद का कुंभ होने वाला है,
माननीय योगी जी का अभी ये मानना है कि ये होना चाहिए, उनका मैं खुद इसका इसको निरीक्षण करूंगा। उनका 40 नाले से 44 नाले वहां पर हैं, फिर 80 में 80 मिलियन MLD का पानी गिरता है, मतलब 8 करोड़ लीटर सीवेज का पानी रोज गिरता है। तो उसको भी आप देखेंगे, मुझे तो लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री हो सकता है कि जब उनको भी इतना अच्छा लगेगा, मुझे तो लगता है कि नाली पे दिवाली मनेगी इस बार, ऐसा लगता है सारे नाले उस तरह से होंगे।